Subscribe Hacktech Master YouTube channel and press the bell icon to get the latest notifications of my videos. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैकटेक मास्टर। स्वागत है आपका डेली टेक हैशटैग सिक्स में। और आज भी मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ लेके आया हूँ, इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक करके कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए शुरू करते हैं। जब आप मेरी न्यूज़ देख रहे होंगे तभी पोको एक्स थ्री प्रो का ग्लोबल लॉन्च चल रहा होगा, तो आप भी वो देख सकते हैं। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगा, और लॉन्च के बाद ही हमें पता चलेगा कि वो क्या स्पेसिफिकेशंस के साथ किस प्राइस पे आता है। दोस्तों आज तो Xiaomi की तरफ से बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ है। तो जो पहली न्यूज़ निकल के आती है कि Xiaomi ने कंफर्म कर दिया कि उनका 29 मार्च को एक लॉन्च इवेंट होगा। उन्हें अभी तक ये नहीं बताया कि वो उसके अंदर क्या लॉन्च करेंगे, पर इसी लीक्स के साथ कंफर्म हो रहा है कि वो Mi 11 अल्ट्रा, Mi 11 लाइट, Mi बैंड 6 और एक Mi नोटबुक लॉन्च कर सकते हैं। तो देखते हैं Xiaomi इतनी सारी चीज़ें लॉन्च करता है तो किस प्राइस पर और क्या स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च करता है। अगली अपडेट भी Xiaomi की तरफ से ही है, क्योंकि जो Mi 11 Lite है उसकी कुछ इमेजेस और कुछ स्पेसिफिकेशंस टेना सर्टिफिकेशन के टाइम पर सामने आई है। तो उसके अंदर आपको एक 6.55 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है, साथ ही आपको उसके अंदर 4150 mAh की बैटरी, साथ ही एंड्रॉयड 11 OS देखने को मिलता है। तो देखते हैं अभी Xiaomi इस फ़ोन को क्या स्पेसिफिकेशन के साथ किस प्राइस पर लॉन्च करती है। अगली अपडेट भी Xiaomi की तरफ से ही है, क्योंकि जो Xiaomi की Mi Band 6 होगी जो कि Mi Band 5 की सक्सेसर होगी, उसकी कुछ इमेजेस निकल के आई है। तो ये दिखने में तो Mi Band 5 जैसी दिख रही है, पर इसके लीक सारी कि इसके अंदर आपको SPO2 मेजरिंग भी देखने को मिलेगा, कि जो भी अभी तक आपको एक Mi Band में नहीं देखने को मिले था। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर हो सकता है Mi Band 6 के अंदर Xiaomi की तरफ से, और देखते हैं किस प्राइस पर लॉन्च होती है। अगली अपडेट है अमेज़ॉन की तरफ से, कि जो अमेज़ॉन का फेब फोन फेस्ट होता है वो स्टार्ट हो गया है। उसके अंदर आपको बहुत सारे फोन पर भारी डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। कुछ फोन है जैसे OnePlus 80, Oppo A53, इनके ऊपर आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलता है। तो अगर आपको कुछ भी परचेज करना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगा। अगली अपडेट आती है जियो की तरफ से, क्योंकि ये जो जियो मार्ट है उस पर आपको होली स्पेशल सेल स्टार्ट हो गई है 24th मार्च से लेकर 25th मार्च तक। तो अगर आपको कुछ भी जियो मार्ट से परचेज करना है तो आप जियो मार्ट को विज़िट कर सकते हैं। अगली अपडेट है OnePlus की तरफ से, क्योंकि जो OnePlus 9 सीरीज है उसकी प्री बुकिंग OnePlus ने एक हफ्ते पहले ही चाइना में स्टार्ट कर दी थी। तो अभी तक करीब 3 मिलियन प्री बुकिंग्स हो चुकी है, तो ये लगता है कि चाइना में भी लोग OnePlus 9 सीरीज के लिए बहुत इंटरेस्टेड है। और देखते हैं हम कल की ये फ़ोन कैसा लॉन्च होता है और किस प्राइस पर इंडिया में भी आपको देखने को मिलता है। अगली अपडेट भी आती है OnePlus की तरफ से, क्योंकि जो OnePlus का Nord N1 5G स्मार्टफोन है इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस बाहर निकल के आ रही है। इसके अंदर आपको 6.49 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, और साथ ही आपको इसमें Android 11 देखने को मिलता है ऑक्सीजन OS के साथ में। तो ये OnePlus के N10 का सक्सेसर हो सकता है। तो देखते हैं ये OnePlus N1 को OnePlus इंडिया में लॉन्च करता है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने OnePlus N10 और N100 को भी इंडिया में लॉन्च नहीं करा था। तो देखते हैं क्या प्राइस पे किस स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। और लास्ट अपडेट निकल के आती है सोफिया की तरफ से। सोफिया वही ह्यूमनॉइड रोबोट जो कि पूरे ह्यूमन की तरह दिखती थी रोबोट, उसने कुछ पेंटिंग्स बनाई है जिनका अभी ऑक्शन होने वाला है। वो पेंटिंग्स दिखने में तो इतनी अच्छी नहीं दिख रही है, पर अगर उसको एक अपन देखे AI ने बनाया तो उस हिसाब से हम देखें तो बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स लग रही है। तो देखते हैं आगे वाले टाइम में क्या AI आर्ट इंडस्ट्री में भी पेंटर्स से अच्छी पेंटिंग बना पाती है या नहीं, ये तो हमें थोड़े टाइम बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक करना, और कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर देना, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ माई वीडियोज़। थैंक यू।